खोराबार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत व्यक्ति को बरामद किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को रामनगर करजहा चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान देवेंद्र राय पुत्र विजय नारायण राय निवासी ग्राम बसवारी ग्राम बड़गो थाना घनघटा जनपद संत कबीर नगर, दूसरा आनंद कुमार मिश्रा पुत्र उमेश मिश्रा निवासी ग्राम आनंद पूर्वा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर व हाल पता सिकटौर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, तीसरा मयंक दुबे पुत्र मुन्ना दुबे निवासी ग्राम दुबौली थाना मदनपुर जनपद देवरिया को थाना रामनगर करजहा चौराहा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी, एक कार बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 31 जुलाई को वादी द्वारा एक लिखित तहरीर मिली कि अभियुक्तगढ़ द्वारा वादी के भतीजे प्रतीक कुमार सिंह द्वारा कार मांग कर ले जाना व कार दोबारा वापस मांगने पर विश्वास में लेकर सेरे पूर्वांचल होटल रामनगर करजहा पर कार देने के लिए बुलाना तथा होटल पर पहुंचने पर अभियुक्तों द्वारा 3,50,000 रुपए की रंगदारी की मांग करना, रंगदारी ना देने पर मारना पीटना, गाली गुत्ता देते हुए वादी के भतीजे प्रतीक कुमार सिंह का अपहरण कर ले जाना व जाते समय वादी का पर्स छीन लेने के संबंध में खोराबार थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए घटना में शामिल तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अपहृत व्यक्ति को भी बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में सीओ प्रशिक्षु जितेंद्र कुमार, खोराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक पंकज कुमार सिंह, कांस्टेबल कोमल कुमार, मनीष सिंह, कांस्टेबल भागवत स्वरूप पाठक, कांस्टेबल प्रियेश यादव, ब्रिगेडियर चौहान वीरेंद्र भारद्वाज शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, मास्क आया नहीं तो वो कर देना, ब्लर कर देते हैं दोस्तों, साफ करने वालों का तो चेहरा जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रतीक नाम के व्यक्ति जो कि यहां पर एक कंपनी में डायरेक्टर है, उनका अपहरण हो गया है। तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जिनके द्वारा सूचना दी गई थी उनसे इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली गई। उसके उपरांत जिनके द्वारा इसका अपहरण किया गया था, मारपीट की गई थी, उनके लिए दबिश दी गई, जिसमें बहुत ही अल्प अवधि में जो अपहृत प्रतीक हैं उनकी बरामदगी हुई है और इस घटना में शामिल चार में से तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बेसिकली ये प्रतीक जो हैं इनके द्वारा अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के संबंध में आंध्रा के कुछ व्यक्तियों के साथ बिजनेस डीलिंग की गई थी, जिसमें रुपए के लेन देन का विवाद था, जिसको लेने के लिए आंध्रा के कुछ व्यक्ति यहाँ पर आए थे। इस चीज़ से बचने के लिए प्रतीक द्वारा अपने कुछ जानकार लोगों को इसमें बुलाया गया था, जो प्रतीक की गाड़ी लेकर कुछ दिन पूर्व चले गए थे। दोबारा से उनके द्वारा प्रतीक को संपर्क किया गया था गाड़ी देने के बहाने, जिसके एवज में उनके द्वारा इससे पैसे मांगे जा रहे थे। पैसे ना देने के उपरांत उनके द्वारा प्रतीक को एक होटल में बुलाया गया, वहां पे उसके साथ मारपीट की गई, उसको जान से मारने की धमकी देकर पैसे की भी मांग की गई, रंगदारी मांगी गई, और फिर पैसे ना देने पर उनको वहाँ से अपहरण करके एक जगह ले जाया गया। इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। घटना कुल चार लोगों द्वारा कारित की गई थी, जिसमें से तीन अभियुक्त जिसका नाम देवेंद्र राय है, आनंद कुमार मिश्रा है व मयंक दुबे है, इन तीनों की अरेस्टिंग हुई है। देवेंद्र राय का पूर्व से आपराधिक इतिहास है और बाकियों के भी आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। जो चौथा अभियुक्त है उसके लिए पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। बहुत ही अल्प अवधि में इस अपहरण और रंगदारी मांगने की घटना का सफल अनावरण थाना खोराबार पुलिस और उनके अधिकारियों द्वारा किया गया। 3 लाख से 4 लाख के बीच में पैसे की मांग की जा रही थी और पहले भी इनके द्वारा इस संबंध में मांग की गई थी।